अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुकज़िला फ्लेवर्स। आज हम बना रहे हैं दही बड़ा मसाला, जो रमज़ान के लिए बहुत काम की चीज़ है। तो इसके लिए हमने ली है एक प्याली धनिया, एक प्याली ज़ीरा, एक प्याली गोल मिर्च और आधा चम्मच काला नमक। इसके बाद हम अपने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें ज़ीरा और धनिया शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे हम रोस्ट कर लेंगे। आप एक बार ध्यान में रखेंगे कि फ्लेम ज़्यादा हाई ना हो, वरना ये बहुत ज़्यादा जल्दी डार्क हो जाएंगे। मैंने इसको लो आंच पे 3 से 4 मिनट तक रोस्ट किया है, तो इसका इस तरह का कलर आ गया है। फिर मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिया है और ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है। इसके बाद हम इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के अपनी साबुत गोल मिर्चें भी डाल देंगे और इसको भी लो आंच पे हम रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि उसका लाइट सा कलर चेंज नहीं हो जाता, बस जब तक। दो से तीन मिनट बाद हमारी गोल मिर्चें भी रोस्ट हो चुकी हैं, तो मैंने इसको भी सेम बॉल में निकाल लिया और 2 मिनट के लिए रख दिया कि थोड़ा सा ये और ठंडा हो जाए। इसके बाद हमने अपने चॉपर में आधा आधा करके मैं पीसूंगी। तो पहले मैंने फर्स्ट बैच डाला है और इसको अच्छे तरीके से दरदरा होने तक पीस लिया। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इसको किस तरह का टेक्सचर चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ कि हमें इसका इस तरह का टेक्सचर चाहिए, थोड़ा दरदरी फॉर्म में। इसके बाद हम अपना सेकेंड बैच भी डाल देंगे और उसको भी इतना होने तक पीस लेंगे। इसके बाद सारा पिसा हुआ मसाला हम बॉल में निकाल लेंगे और उसमें आधा चम्मच काला नमक शामिल कर देंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम स्टोर कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा मज़े का मसाला बनता है। अपने दही बड़ों पे आप इसको डाल के इंजॉय कर सकते हैं, अपने भुने हुए खानों में आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि घर के मसाले की कढ़ाई हो गई या इस तरह का कोई भुना हुआ आइटम, कीमा हो गया, उसके साथ ये मसाला बहुत अच्छे से बैठता है। तो आप इसको लाजमी बनाइएगा और स्टोर करके रख दिएगा, आपको पूरा रमज़ान ये काम आएगा और ये ज़रा भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।